एन माहौल सरकार अमेंडमेंट्स लेक्चर नंबर टू शुरू करें हम सर सरकार ध्यान दीजिएगा आपका कॉन्फिडेंस ही आपको जीत दिलाएगा और हां लिखा बिलीव इन योर सेल्फ एनी पॉसिबल सर अगर आपको आप में विश्वास है तो जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हो क्लियर सीए तो डिग्री है जो एक रिकॉग्निशन दे आपको देगी पर सर अल्टीमेट सक्सेस आपको आपका कॉन्फिडेंस ही देने वाला है तो सरकार ये डिग्री के लिए इतना पागल मत हो जाए ना कि डिग्री अगर मान लो आपको मिल जाए तो बिल्कुल पागल हो गए और डिग्री नहीं मिले तो भी बिल्कुल पागल हो गए क्लियर डिग्री इज अ पार्ट ऑफ लाइफ ओके सर ये एजुकेशन आप जो कर रहे हो उसमें आप रोज कुछ सीख रहे हो इस उम्मीद से पढ़िए आप सीखने के लिए काम करिए हंड्रेड परसेंट आपका मन बहुत ही पॉजिटिव होगा माहौल बनेगा एंड खुश होकर आप पढ़ाई करिए तो और भी अच्छे रिजल्ट आपके आएंगे माहौल बना चाहिए सर चलिए सर सरकार शुरू करते हैं हम अमेंडमेंट लेक्चर नंबर टू हमने लास्ट जो अमेंडमेंट पढ़ा था वो पढ़ा था सर्कुलर रिगार्डिंग आंगनवाड़ी क्लियर तो सर मिड डे मील स्कीम हो या कोई भी हो सर कैटरिंग सर्विसेज एक्समड होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भली कंसर्न नहीं है ओके okay, सर अब आ रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट अमेंडमेंट जो आया है सर वो यहां पर आया है जो अच्छा पॉइंट है पॉइंट नंबर देखिए आप साहब सर हमने पहले पढ़ा हुआ है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू दी सेंट्र गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम टोटल एक्सपेंडिचर इज बॉन बाय दी सेंट्र गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर अभी सर पहले था टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट अगर बॉन करेगी तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप कोई भी सर्विस दे रहे हो गवर्मेंट को तो टैक्स एक्ज है अभी वहां पर बोल दिया कोई बात नहीं हंड्रेड परसेंट एक्सपेंडिचर अगर गवर्मेंट बॉन नहीं कर रहा है पर एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट दी टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन अगर बोन कर रहा है तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपने जो गवर्नमेंट को सर्विस दी उसका टैक्स एक्समट है क्लियर तो सर पहले था हंड्रेड परसेंट एक्सपेंड शुड बी बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन अब हो गया सेवेंटी और मोर ऑफ दी टोटल एक्सपेंडिचर तो मैं पॉइंट रिपीट कर देता हूँ एनी सर्विस प्रोवाइड टू दी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरी एडमिनिस्ट्रेशन जिस और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जहां पर 75 परसेंट और मोर ऑफ द एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेटरी एडमिनिस्ट्रेशन तो आपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया है उसके लिए जो फीस चार्ज किया आपने सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्टेट या यूनियन टेरेट्री से उस पर जीएसटी एग्जेट फॉर एग्जाम्पल सर मान लो आपको आप जिस स्टेट में रहते हो वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने आपको अपॉइंट किया कि इन इन एरिया में जाके आप जीएसटी समझाओ लोगों को बिजनेसमैन के बीच में अवेयरनेस फैलाओ और उसके लिए आपने दस लाख रुपए चार्ज किया और सारा फीस जो है वो गवर्नमेंट आपको पे कराओ उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का सारा खर्चा या एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द एक्सपेंस इज बिंग बोर्न द गवर्नमेंट तो आपने जो फीस चार्ज करी गवर्नमेंट से टेन लाख रुपए उस पर जीएसटी एग्जेट क्लियर डन अब सर एक सर्कुलर था सर्कुलर ये बोलता है कि सर <coughs> यहाँ पे एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट का प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ साहब और इसमें लिखा हुआ सर्कुलर में कि वहां पे सारा एक्सपेंडिचर इज बोन बाय गवर्नमेंट तो है डे नहीं मैं तो कह रहा हूं, वो स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर आप सर्विस दो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोन कर रहा है वहां वैसे भी जीएसटी क्लियर तो सर पढ़िए अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने वाला सर्विस प्रोवाइड करने वाला भली कोई कोचिंग इंस्टीट्यूटन कोई सर्विस सर क्लेरिफिकेशन ऑन कोचिंग सर्विसेज सप्लाइड बाय Coaching institutions and NGOs under the central sector scheme of scholarships for students with disabilities. Scholarships for students with disabilities where an entire expenditure where entire expenditure is provided by the government to coaching institution or NGOs by way of grant in aid.

इस पेज पे इस पॉइंट में कोई अमेंडमेंट नहीं है पर पीटीओ लिखा क्योंकि तो सर आपको पता है, 17 2020 जो हिंदुस्तान में होने वाला था ये कोविड ने पूरी दुनिया में कई सारी तबाही मचाई ये इवेंट हो नहीं पाया तो सर गवर्नमेंट ने बोल दिया कोई बात नहीं जब भी रिश्ल होगा रीशेड्यूल्ड किया था मैं तुम्हें सर फीफा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2020 जो इंडिया में होने वाला है जब भी ये रिशेड्यूल होगा इसके इवेंट के लिए आपने फीफा को या इसकी सब्सिडी को आपने कोई सर्विस दी हाँ है उन्होंने आपको दी है क्लियर उस पर जीएसटी एग्जाम होगा ना ये पॉइंट पहले भी था अभी वेवर वर्ड एड किया क्योंकि फीफा अंडर सेवनटीन वुमन्स वुमेन्स वर्ल्ड कप टू जो अब नहीं हुआ वो अब हो जाएगा सर क्योंकि कोविड की वजह से नहीं हुआ तो वेन इट विल बी इट विल गेट रीशेड्यूल्ड उस टाइम पे इस सर्विस पे जीएसटी एग्जाम रहेगा क्लियर समझे मेरी बात कोई खास बात नहीं ओके सर नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा ये फीफा अंडर सेवनटीन वुमेंस वर्ल्ड कप टू इसका मैच आप देखने जाएंगे तो उसकी एंट्री टिकट पर भी जीएसटी एग्जिम रहेगा ठीक है ये आपने बातें ऑलरेडी करी थी

Asian Football Confederation and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the events under AFC Women's Asia Cup 2022 to be hosted in India exempted Bus Director Sports certificate. But this exemption shall be allowed only if Director of Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that services are directly or indirectly related to any of the events under AFC Women's Cup 2022.

वहाँ पर पर्सन के लिए सर जो अमाउंट की लिमिट लगा रखी कि इतना अमाउंट तक फाइव हंड्रेड रुपी पर पर्सन ही एक्जिम रहेगा वो यहाँ पे ऐसी कोई मॉन्ट्री लिमिट नहीं है जैसा आपने फीफा के लिए भी देखा वैसा ही यहाँ पे भी है पढ़ो सर सर्विसेज बाय वे सर्विस इवेंट्स ऑर्गेनाइज अंडर ए एफ सी वुमेंस कप वुमेंस एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा देखो मैंने यहाँ लिखा दिस सर्विसम विदाउट एनी मॉन्ट्री लिमिट तो सर आप जाइए अच्छे से आपके एग्जाम दीजिए और उसके बाद जब ये मैच हो तो ये वर्ल्ड कप ये एशिया कप देखने, देखने जाइए और सर चेयर करिए हिंदुस्तान को एंड उनको जिताइए और उसके एंटी टिकट पर जीएसटी भी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया एग्जाम कर दिया जस्ट टू प्रमोट द स्पोर्ट्स इन इंडिया क्लियर समझे मेरी बात माहौल तो जो फीफा के लिए पॉइंट थे वही पॉइंट यहाँ पर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के लिए भी हो गए हैं अभी एड ओके गुड आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आपने पढ़ावा ऑलरेडी सर कि ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज में हमने फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू तो प्लेस आउटसर इंडिया इसके जीएसटी एक्सिम था पर लिखा हुआ था कि दिस एक्शन विल बी अलाउड टिल थर्टीन सेवेंटी वन ओनली मैंने आपको बताया था कि सर अगर ये डेट के बाद वापस एक्जीब एक्सटेंड हुआ तो बता दूंगा मैं आपको ये देखिए सर थर्टीन सेवेंटी टू तक तीस सेप्टेम्बर दो हजार बाईस तक इसको एक्सटेंड कर दिया है वैसे देखा जाए जब जीएसटी नया नया आया था तो थर्टीद सेप्टेबर टू थाउजेंड एटीन तक था ये एक्जीबिशन फिर नाइन तक करा फिर ट्वेंटी तक किया फिर ट्वेंटी वन तक किया फिर टू थाउजेंड ट्वेंट टू तक इसको एग्जीड कर रखा है तो कुल मिला के ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल और एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया बाय वेसल हो या बाय एयरक्राफ्ट हो वो एग्जाम है टिल थर्टीन सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ओके चलिए सर फिर नेक्स्ट सेटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज सॉरी सेटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज बाय इसरो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये एग्जाम था पहले भी था अभी भी है कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं है बस एक सर्कुलर एड हुआ कि सर अगर आपने फॉरेन क्लाइंट्स को ये वाली सर्विसेज दी तो सर ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है तो सैटेलाइट लॉन्च सर्विस का एक सर्कुलर हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर एट में दिया हुआ था सर्कुलर सर आई जी एस टी एक्ट में वहां लिखा था अगर सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रेसिपेंट दोनों में से एक पर्सन इंडिया का और एक पर्सन आउट ऑफ इंडिया का है तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर थर्टीन सेक्शन नाइन के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स गुड्साइट लॉन्च सर्विस को ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की तरह माना गया है और सेटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज में सेटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज में सर सर्विस रेसिपेंट अगर आउट ऑफ इंडिया का है

तो ऐसे केस में सेम ट्रीटमेंट होगा ये सर्कुलर पे एड किया मैंने क्लियर वैसे ये सर्कुलर चैप्टर नंबर के एंड में ही वैसेलाइट हाँ लॉन्च मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड टू इंटरनेशनल कस्टमर वेदर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और नॉट तो सर यहां बोल दिया क्या इट इज बिन बाय सर्कुलर नंबर टू

एक्सपोर्ट की अदर कंडीशन पूरी होती है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बेनिफिट मिलेगा एंड जीरो अच्छा, सर्विस, सर्विस या कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है तो सर वो जीरो कहलाता है और आपको पता है, अगर भी होती है तो भी वहां पर इनपुट्स इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स का आई टी सी मिलता है बेटा क्लियर तो एक्सपोर्ट बेनिफिट इनको मिल जाएंगे अगर इन्होंने एक्सपोर्ट की सारी कंडीशन पूरी करी तो क्लियर माहौल सरकार आइए अगले पॉइंट बढ़ते हैं अगले अमेंडमेंट बढ़ते हैं हाँ जी ये रहा <laughs> रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग एंड लोकल अथॉरिटीज सर हमने एक पॉइंट पढ़ा था सर सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन पैसेंजर्स या फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन पैसेंजर अगर आपने लोकल अथॉरिटी को दिया तो इस जीएसटी एग्जाम रहेगा है हाँ ना तो सर ये हमने ऑलरेडी पढ़ावा इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है क्लेरिफिकेशन आया देखो लॉ के अंदर वर्ड काम आया हायरिंग वे वे गिविंग ऑन हायर सवाल आया अगर आपने रेंटिंग पे दिया है सवाल क्या है अगर आपने रेंटिंग पे दिया तो क्या वो भी एग्जाम रहेगा तो सर क्या हो गया भाई एक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने जो एक रूलिंग दी उसमें गड़बड़ कर दी थोड़ी सी

उसका कारण क्या है सर हमने शेड्यूल टू पढ़ा था हमने शेड्यूल टू पढ़ा था सी एक्ट में और शेड्यूल टू ने क्या बोला है सर याद हो आपको, तो वन, जो पेरा फाइव है पेरा फाइव उसमें सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए छह पॉइंट दिए बेटा हाँ है ना और वहां बोला है कि ये सारी सर्विसेज क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है और जो पेरा नंबर वन है उसमें भी लिखा है कि सर अनडिवाइडेड शेयर्स दी गुड्स या राइट इन यूज ट्रांसफर किया है और सर पैरा नंबर में लिखा है राइट टू यूज अगर आपने ट्रांसफर किया तो दोनों ही क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस है सर अब ध्यान दीजिए बेटा रेंटिंग हो या हायरिंग हो पहले क्या मैंने आपको लेक्चर में समझाया था पहले फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज का ट्रीटमेंट अलग हुआ करता था जब सर्विस टैक्स और वेट लो हुआ करता था फाइनेंस लीज को सेल ऑफ गुड्स माना जाता था सर जीएसटी परपज के लिए और वेट के लिए जबकि सर और ऑपरेटिंग uh, लीज को सप्लाई सर्विस माना जाता था

कोई दिक्कत नहीं है सर ये जो प्रोविजन है ये हायरिंग के लिए नहीं है हायरिंग हो रेंटिंग हो सबके लिए प्रोविजन अप्लाई होंगे और ये सारी चीजें एग्जिम रहेगी भले आपने रेंट पे दिया हायरिंग पे दिया मतलब इफेक्टिव कंट्रोल या पोजिशन ट्रांसफर किया है नहीं किया उसे कोई कंसर्न नहीं है देख लीजिए आप कंक्लूजन क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट इट इज दैट द एक्सप्रेशन गिविंग ऑन हायर इंक्लूड्स रेंटिंग ऑफ व्हीकल्स अकॉर्डिंगली सर्विसेज वेयर सेड व्हीकल्स आर रेंटेड और गिवन ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग लोकल अथॉरिटीज आर एलिजिबल फॉर द सेड एग्जिमेशन इनरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर से लोकल अथॉरिटीज एंड अंडर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंगल अथॉरिटीज विच डिटर्माइन द रूल्स ऑफ ऑपरेशन और प्लाइंग ऑफ दी व्हीकल सर इफेक्टिव कंट्रोल पोजिशन नॉर्मली इस केस में ट्रांसफर होता है कोई दिक्कत नहीं है सर ट्रांसफर हो

बहुत हैवी सामान को लोड करके रोड पे जाते हैं साहब अब सर उनके लिए जो टोल प्लाजा होता है उस पर सर मल्टीपल टाइम्स टोल चार्ज लगता है क्योंकि सर वो रोड के लिए बहुत भारी सामान वजन को समझे मेरी बात उनसे रोड को ज्यादा डैमेज होगा इसलिए टोल चार्जेस ने भी उनसे टोल प्लाजा ने भी उनसे ज्यादा टोल चार्ज किया अब पॉइंट ये आया कि जो ओवरलोडिंग चार्जेस था इनसे क्या वो भी एग्जिम रहेगा या केवल जो बेसिक टोल टोल चार्जेस होते हैं वही एग्जिम रहेंगे तो सर्कुलर उन्होंने बोला कि भाई ओवरलोडिंग चार्जेस भी क्या है टोल चार्जेस तो है इसलिए वो भी क्या रहेगा एग्जम रहेगा कोई दिक्कत नहीं पढ़ लीजिए बेटा सर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने ये क्लेरिफाई किया कि ओवरलोडेड व्हीकल्स ओवर ओवरलोडेड व्हीकल्स वर अलाउड टू तो प्लाई ऑन द नेशनल हाईवेज आफ्टर पेमेंट ऑफ द फीस विद मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स ऑफ टू टाइम्स फोर टाइम्स सिक्स टाइम्स और डिड ऑन वहकल टू वाहकल कितना उस पर बेस रेट ऑफ टोल जितना बेस रेट ऑफ टोल होगा उसका टू टाइम किया उस अकॉर्डिंग टोल होगा पर सर दिस इज ऑल्सो देर फॉर ओवरलोडिंग फीस आर इफेक्टिवली टोल चार्जेस ओनली सो सर टोल चार्जेस पे जीएसटी एग्जेमट है भले वो ओवरलोडिंग हो या नॉर्मल हो कोई दिक्कत नहीं सर आइए इसलिए इज रिकमेंडेड बायस टी काउंसिल इट इज क्लैरिफाइड दैट

नहीं ना यह सर्विस लिखा है क्लियर कि सर्विस कौन सी एक्सेस टू रोड सर्कुलर डिपार्टमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया इंडस्ट्री वाले क्या बोलते थे हमने रोड कंस्ट्रक्शन करवाया रोड का क्या करवाया कंस्ट्रक्शन जिसका पेमेंट जो हमको मिल रहा वो रौग रौग सर, क्या किया है वो कंट्रोल एफ दबाया

सर्विस कौन सी है? वो देखो ना दिमाग खराब क्यों कर रहे हो साहब तो यहां पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आपस में, अलग अलग में, में कोई लिंक नहीं है तो सर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एटसेट्रा के लिए अगर आपको पेमेंट जो मिल रहा है वो एन के फॉर्म में मिल रहा है तो उस पर जीएसटी लगेगा वो एग्जाम नहीं है क्लियर समझे मेरी बात माहौल सरकार देखिए सर्विस जो है कंस्ट्रक्शन सर्विस कवर होती है हेडिंग हेडिंग नंबर नंबर में सर्विसेज बाय वे ऑफ ऑफ कंस्ट्रक्शन रोड फॉल अंडर एंड वैसे ही आपको हेडिंग नंबर याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं सर हेडिंग नंबर नाइन नाइन सेवन कवर करता है सपोर्टिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें ये एक्सेस टू रोड बाय पेमेंट ऑफ टोल और एन्यूटी यहाँ पे कवर होगा दोनों सर्विस अलग है दोनों का क्लासिफिकेशन अलग है दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है एक रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा ले रहा है और एक रोड को एक्सेस करने के लिए जो टोल चार्ज लिया वो अलग होता है साहब तो ऐसे केस में सर भली की फॉर्म में पेमेंट आ रहा है, कोई मतलब नहीं है उस पर जीएसटी डन चलिए नेशनल परमिट मिलता है व्हीकल्स को तो नेशनल परमिट के लिए जो फीस चार्ज किया जीएसटी नहीं लगेगा पढ़ लीजिए सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज आपने देखा होगा ट्रक वगैरह लिखा लिखा होता कई बार एनपी नेशनल परमिट सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू अ गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कंटीन्यूस इज जी फ्रॉम जीएसटी तो सर नेशनल परमिट देने वाली पे जीएसटी सर्विसम कर दिया जो भी फीस इन्होंने चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्लियर माहौल सरकार आइए अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हम अगेन जहां सेक्शन नंबर ट्वेल डबल था वहां पे ट्वेल्व ए भी दे रखा अच्छा ये पेजेस मैंने आपको इसलिए दे देखी कि आप अपनी बुक के अंदर भी करेक्शन कर दे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे ठीक है मालिक देन ओहो ये हमने एक सर्विस पढ़ी थी बेटा सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट सर ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर टू फोर थ्री डब्ल्यू एफ दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है जो म्यूनसिपाली और पंचायत के काम होते हैं वो काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी परफॉर्म कर रहा है तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता है और अगर वही काम लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल अथॉरिटी करता है तो सर उस पर जीएसटी है सर कुल जीएसटी पे नहीं करना अब जो काम जैसे मुंबई की साफ सफाई करनी है का काम है आर्टिकल नंबर में कवर है वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट जो फीस चार्ज करेगी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा एट द सेम टाइम मोदी जी ने वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दे दिया मुंबई को अब मैं साफ करूंगा सर मतलब मुंबई की साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले लिया स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू सर मेरा भारत अच्छा भारत मेरा भारत स्वच्छ भारत सर मेरे देश के लोग अच्छे लोग मेरे देश के लोग प्यारे लोग जो आप हो सर अब मेरा पॉइंट मैं भी हूं सर, थोड़ा सर ओके 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 एनीवेज मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अब मैं गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा हूं तो सर, सर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी इनको मैंने सर्विसेज दिए ऐसे किसी काम 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 के के लिए लिए जो 243W या 243G of the Indian Constitution में कवर है, है। है है, with material भी है। composite supply of goods है, वो वो मैंने किया वाला तो भी भी रहेगा। अगर वैल्यू ऑफ गुड्स इन सच सर्विसम रहेगा नहीं तो जीएसटी नहीं रहेगा क्लियर पढ़ चुके इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है ये सर्विस को मैंने पढ़ाया क्योंकि इसके बेस पे एक सर्कुलर आया वो सर्कुलर ने बोला कि ये एक्टिविटी एक्सिमिटर रहेगी कि नहीं रहेगी आप हमें बताइए तो बता तो सर गेहूं को आटे में कन्वर्ट कर रहे हैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे और पढ़ो क्लेरिफिकेशन ऑन जीएसटी ऑन मिलिंग ऑफ वीट इनटू फ्लोर और पेडी इनटू राइस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर PDS, मतलब Public Distribution System. क्या जो second, राइस. सर, पेड़ी को राइस में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं रो राइस को दाने निकाल रहा हूं सर, बाहर से सर, डी हस्टिंग करके तो ये जो सर्विस में दे रहा हूँ गवर्नमेंट को वो एग्जाम रहेगा कि नहीं रहेगा क्वेश्चन आया अच्छा मैं स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है सर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इन आटा को आटा चावल को बांटेगी लोगों को है हाँ ना तो यहां बोला है कि आर्टिकल टू फोर थ्री जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो पंचायत के काम लिखे हुए साहब उसमें सर ये वाला काम भी है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का थ्रू स्टेट गवर्नमेंट तो सर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है जो आर्टिकल टू फोर थ्री जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पंचायती कामों में लिखा हुआ है और उसके लिए मैं सर्विस दे रहा हूं उनको मिलिंग वाली सर्विसेज मिलिंग टू कन्वर्ट दीट इन टू राइस डी ऑफ दैडी टू कन्वर्ट इट इंटू राइस अलॉन्ग द फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन क्या होता है बेटा क्या होता है सर उसमें कुछ मिनरल्स एड कर देते हैं सो दैट उसकी क्वालिटी बढ़ जाए सर फोर्टिफिकेशन मतलब एडिंग विटामिन मिनरल्स टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू तो सर जब मैं ट को फ्लोर में कन्वर्ट करता हूं अलॉन्ग टू कन्वर्ट इट इनटू राइस तो सर ऐसे केस में मैं ऐसा काम कर रहा हूं गवर्नमेंट के लिए जो आर्टिकल टू फोर थ्री जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है तो सर ऐसे केस में जो मैं काम कर रहा हूं उसमें फोर्टिफिकेशन वाला काम भी कर रहा हूँ मेरा लेबर वाला मतलब कन्वर्जन ऑफ वीट इंटू फ्लोर एंड डी हस्किंग ऑफ राइस तो ये साथ में कुछ मटेरियल भी तो लग रहा है फोर्टिफिकेशन के लिए क्लियर तो सर ये कंपोजिट सप्लाई में आता है और यहां गवर्नमेंट ने बोल दिया ये एक्ट होगा अगर वैल्यू ऑफ मटीरियल यूज इन सच कंपोजिट सप्लाई अट टू ट्वेंटी काम कवर होता है और उस काम के लिए आपने गवर्नमेंट को सर्विस दिए वो एग्जाम रहेगी अगर वैल्यू ऑफ मटीरियल इन्वॉल्व इन सच ट्रांजेक्शन इज अब टू ट्वेंटी मैटर ऑफ फैक्ट एस टू वेदर दैल्यू ऑफ गुड्स इन सच कंपोजिट सप्लाई

रोलिंग स्टॉक असट इंक्लूडिंग वैगन और Indian रेलवे इंडियन रेलवे अगर इंडियन रेलवे को सर लीजिंग ऑफ असेट्स दे रही है तो उस पर जो फीस उन्होंने चार्ज किया उस पर जीएसटी लगेगा क्लियर एग्जीबिशन विदड्रॉ हो गया है आइए सरकार नेक्स्ट ये रिपीट किया पॉइंट गवर्नमेंट रिलेटेड था इसलिए पे वापस रिपीट किया है वही ोग सेवेंटी फाइव परसेंट और मोर ऑफ दी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोन कर रहा था तो उस पर जीएसटी रहेगा हाँ बेटा सर सर्विस मैंने, कर हाँ मैंने so करेक्शन कर पाओ दो जगह परशनल परमिट टू गुड्स टू ऑपरेट थ्रू आउट इंडिया और कंट्रीजन अगेन मैंने यहां रिपीट किया वो थी, इसलिए हाँ भी दिया। और ये गवर्नमेंट रिलेटेड पॉइंट थे अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम अमेंडमेंट तो नहीं है सर लास्ट दो सर्कुलर बचे हैं और सर मेगा एग्जाम लिस्ट चैप्टर नंबर के सारे अमेंडमेंट्स भी खत्म हो रहे हैं सर ओके भाई रेस्टोरेंट सर्विस भूख लग रही ना यस रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस सुनना बेचा सवाल ये है आजकल नए कॉन्सेप्ट चले सिंस ई कॉमर्स इतना अच्छा हिट कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि सर ई e कॉमर्स के थ्रू स्विगी जोमेटो के थ्रू आप खाना मंगा सकते हो अपने घर पे और घर बैठे अच्छा खाना खा मतलब घर पे वैसे खाना जो बनता है अच्छा ही बनता होगा सर ये ध्यान रखिएगा सर पता पड़ा घर से बाहर निकाल दिया अपने को सर आप खाना मंगा सकते हो वहां से ऑर्डर करके तो सर आजकल कई सारे किचन कई सारे रेस्टोरेंट ऐसे ओपन हो गए जहां पर केवल और केवल क्या है खाना बनता है किचन है केवल वहां पर पब्लिक आके बैठे ऐसा जगह ही नहीं है तो उनको बोलते है क्लाउड किचन या सेंट्रल किचन सेंट्रल किचन क्या होता है बेटा एक कॉमन किचन हो गया जहां पे बहुत सारे वेंडर एक साथ सर अलग अलग अपना पोर्शन लेके खाना बना रहे हैं। स्पेस शेयर कर रहे हैं केवल वहां पे यूटेंसिल्स शेयर कर रहे हैं वो लोग सो दैट उनकी कॉस्टिंग कम हो जाए और अपने अपने ब्रांड में वो खाना बेच रहे थ्रू ई कॉमर्स या एटसेट्रा जैसे भी करना है टेक अवे के थ्रू समझे मेरी बात तो उसको बोलते हैं सेंट्रल किचन तो क्वेश्चन ये आया कि क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन जहां पे कोई सर

डोर स्टेप हो या भले ही वो कस्टमर अपने आके बैठ के खाना खा रहा है सर ये सारी चीजें रेस्टोरेंट के स्कोप में आती है और रेस्टोरेंट सर्विस जो डिफाइन किया हुआ है गवर्नमेंट ने उसमें भी कवर होता है ठीक है पढ़ लीजिए रेस्टोरेंट वर्ड द वर्ड रेस्टोरेंट सर्विस इज डिफाइंड इन टेरिफ नोटिफिकेशन टेरिफ का नोटिफिकेशन नंबर इलेवन ऑफ टू उसको रेफर किया है पे बोलता है रेस्टोरेंट सर्विस मीन सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस ऑफ गुड्स गुड्स कौन से बींग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजन और एनी ड्रिंक प्रोवाइडेड बाय रेस्टोरेंट ध्यान से पढ़ना प्रोवाइडेड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग ज्वाइंट इंक्लूडिंग मेस कैंटीन वेदर फॉर कंजन ऑन और अवे फ्रॉम द प्रमैसेज अपने पे कंज्यूम करे या अवे फ्रॉम द प्रमैसेज वेयर सच फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजन और ड्रिंक इज सप्लाइड क्लियर तो साफ लिख दिया पे क्या भाई टेक अवे भी है कोई दिक्कत नहीं है हमारे बैठ के आदमी खाना खाए या दूर खाए कोई कंसर्न नहीं है रेस्टोरेंट सर्विस के स्कोप में आएगा इसलिए गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि रेस्टोरेंट सर्विस इंक्लूड्स इंक्लूड्स रेस्टोरेंट कैफेज अदर सिमिलर ईटिंग फैसिलिटीज इंक्लूडिंग टेक अवे सर्विसेज रूम सर्विसेज और डोर डिलीवरी बाय फूड इसलिए इसलिए क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन भी रेस्टोरेंट सर्विस के स्कोप में ही आएंगे कोई दिक्कत नहीं है साहब और क्लाउड किचन मतलब केवल किचन है जहां से सप्लाई हो रहा है बैठ के खाने वाली जगह कुछ भी नहीं है सेंट्रल किचन मतलब बहुत सारे लोगों ने एक सिंगल किचन बना दिया बड़ा बड़ा किचन है सर वहां पे दस रेस्टोरेंट वाले किचन को शेयर करके मतलब ये पोर्शन में खाना ये बना रहा है ये पोर्शन में खाना ये बना रहा है इस रेस्टोरेंट इस पोर्शन में दूसरा ब्रांड वाला खाना बना रहा है क्लियर एंड उसको बोलते हैं सेंट्रल किचन और खाना सप्लाई कर रहे हैं डोर डिलीवरी पर या टेक अवे के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं रेस्टोरेंट के स्कोप में आएंगे और रेस्टोरेंट के प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई होंगे अगर इनको कंपोजिशन स्कीम लेना याद है बेटा कंपोजिशन स्कीम रेस्टोरेंट वालों को मिलता है 1.5 करोड़ तक तो सर मतलब कुल मिलाकर रेस्टोरेंट के प्रोविजन अप्लाई होंगे इन सब पर क्लियर अगर एलिजिबल है कंपोजिशन के लिए कंपोजिशन ले जो भी बेनिफिट लेना ले जो भी रेट ऑफ टैक्स है वो उन पर अप्लाई होगी कुल मिला के क्लियर माहौल सरकार एक और सर्कुलर एड हुआ रिगार्डिंग आइसक्रीम पार्लर्स सर खाना खाया उसके बाद तो आइसक्रीम तो बनती ना सर क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ आइसक्रीम बाई आइसक्रीम पार्लर तो सर यहाँ पे बोला कि भाई जो आइसक्रीम पार्लर है क्या वहाँ पे आइसक्रीम बनती है यूजली वो मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम को बेचते हैं दे आर जस्ट ट्रेडिंग दे आर नॉट प्रिपेरिंग द आइक्रीम देर नॉट कुकिंग द आइसक्रीम नो डाउट वहाँ पे कुछ सर्विस एलिमेंट भी रहता होगा वो सर आप जैसे किसी आइसक्रीम पार्लर पर गए अच्छे तो सर वहाँ पर आप ऑर्डर दे दो तो ये आइसक्रीम चाहिए तो आइसक्रीम जो भी आपने ऑर्डर करी है वो आपके टेबल पे सर्व हो जाएगी इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस्टोरेंट सर्विस है यहां ये यह बोला है कि अगर वो कुकिंग या प्रिपेयरिंग की सर्विस नहीं दे रहे कुकिंग या प्रिपेयरिंग वहां पे नहीं कर रहे तो दे आर जस्ट ट्रेडर दे विल नॉट बी रेस्टोरेंट सर्विस और रेस्टोरेंट सर्विस के प्रोविजन इस अप्लाई नहीं होंगे दे दे विल बी ट्रीटेड एज इफ आर ट्रेडिंग द गुड्स भले उसमें कुछ सर्विस एलिमेंट भी हो कोई कंसर्न नहीं है प्रिंसिपल एलिमेंट ट्रेडिंग है इसके अंदर ये यह यहां पर समझा है देखे हाँ। तो मतलब अगर कोई आइसक्रीम पार्लर वही पर आइसक्रीम बनाता है कुकिंग करता है प्रिपेयर करता है आइसक्रीम वही आइसक्रीम बनाता है तो रेस्टोरेंट के स्कोप में आ जाएगा हमें कोई दिक्कत नहीं उसमें पढ़ो आइसक्रीम पार्लर सेल ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम एंड दे डू नॉट हैव अ अरेक्टर ऑफ रेस्टोरेंट आइसक्रीम पार्लर डू नॉट एंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ कुकिंग एट एनी स्टेज वेर इज रेस्टोरेंट सर्विस इनवॉल्व आस्पेक्ट ऑफ कुकिंग और प्रिपेरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस दस सप्लाई ऑफ आइसक्रीम पार्लर स्टैंड ऑन अ डिफरेंट फुटिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट देयर एक्टिविटीज Entails supply of ice cream as goods trading and not as a service, even if certain ingredients of service are present. Clear accordingly, as recommended by the GST council, it is clarified that where ice cream parlors sell already manufactured ice cream and do not cook or prepare ice cream for consumption, like a restaurant, then it is a supply of ice cream as a goods and not as a सर्विस इवन इफ द दप्लाई सर्टन इनग्रीडियंट ऑफ सर्विस कोई फर्क नहीं पड़ता क्लियर माहौल ये आपका रेस्टोरेंट वाला दो सर्कुलर जो थे वो भी खत्म अब अब आइए मालिक सर अब हम बढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर टेन में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ उसकी तरफ सर चैप्टर नंबर टेन में जो ये पेज है इस पर अमेंडमेंट नहीं है सर नेक्स्ट पेज पे है जस्ट ये दिया है क्योंकि रेफरेंस में ये सेक्शन काम आएगा अभी आपको इसलिए हमने पढ़ा था आधार ऑथेंटिकेशन नॉट रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग केसेस इन फॉलोइंग केस में आधार ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है जैसे हमने था इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना तो नहीं करवाना है सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स ए क्या कहता है बेटा

क्लियर तो सर अगर यह सबसेक्शन सिक्स ए अप्लाई कर दिया तो क्या ये लोग इनमें से कोई भी लोग अगर जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो क्या इनको भी आधार उत्तर करवाना पड़ेगा तो आंसर है नो no. सर ये लोग भले ही रजिस्टर्ड हो या नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो इनको आधार उत्तर इंडिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है पर यहां पर एक्चुअली सबसेक्शन सिक्स ए वर्ड मिसिंग था तो उसकी वजह से यहां पर क्या हो रहा था कि अगर ये लोग नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे सबसे सब मैंने जब बुक आपको दी थी उसमें लिखा थार्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन क्लियर तो सर अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ये लोग अगर, 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 अगर जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और कभी मान लो एप्लीकेबल कर दिया गवर्नमेंट ने तो क्या इन लोगों को जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है इनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा आंसर इज नो तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो या नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे कुल मिलाकर इनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है ये वर्ड्स और सब सब सेक्शन ए वर्ड कर सबसे क्लियर डन तो सर अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी स्टडी बॉडी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पर्सन फॉर क्टर इनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है अब भले यह रजिस्टर्ड है ऑलरेडी या अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए अपलाई कर रहे हैं सर इनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना होगा ओके माहौल सर आइए ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर में केवल एक ही जगह चेंज था वो भी कोई खास अमेंडमेंट नहीं था आइए अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर हमने पढ़ा था सर सर उसमें इंटरेस्ट का सेक्शन नंबर फिफ्टी ये हमने पढ़ा था अच्छा हमने ये पढ़ा था कि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एटीन परसेंट पर रनम और ट्वेंटी फोर परसेंट पर नम से क्लियर पर हाँ हमने ये पढ़ा था कि अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट हो गए और आपने सेल्फ असिस्ट टैक्स डिक्लेयर किया था रिटर्न के अंदर तो ऐसे केस में आपको नेट जो टैक्स पेबल है इन कैश जैसे मान लो फोर्टीन लेख की लाइब्रेडी थी टेन लेख का आई टी अवेलेबल है तो फोर लेख नेट जो आएगा लाइब्रेट कैश में जो पेबल है उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना रहेगा Clear? इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है पहले भी यही था अभी भी यही है इसको फाइनेंस एक्ट सेक्शन नंबर 50 पर पे क्या दो वर्ड्स गलत लिख गए थे गवर्नमेंट ने लेविएबल क्लियर तो सर गवर्नमेंट ने क्या किया जो आया है उसमें इन वर्ड्स को बस रिप्लेस किया है लॉ के अंदर करेक्शन किया है और कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है

जो ई इनवॉइस वाला हमने प्रोविजन पढ़ा था सर कि अगर आप बी टू बी सप्लाई कर रहे हो या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और अगर आपका एनी ऑफ दी प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स अगर आपका एग्रीगेट टर्न ओवर वॉज एक्सीडिंग रुपीज फिफ्टी करोड इश्यू करना पड़ेगा ई इनवॉइस के प्रोविजन आप अप्लाई होंगे और गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट के थ्रू आपको इनवोसेस जनरेट करना पड़ेंगे पर ये ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे टू दी फॉलोइंग पर्सन

सिनेमाटोग्राफिक फिल्म इन मल्टीप्लेक्स जो आप टिकट लेते हो बेटा वो एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉर्टी इनको ई e के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉर्टी को भी बाहर कर दिया फ्रॉम ई इन क्लियर डन कोई खास अमेंडमेंट नहीं और हाँ अच्छा अमेडमेंट है सर गवर्नमेंट को तो रिलीफ मिला है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथोरिटी को रिलीफ मिल गया सर आइए सर सर डायनेमिक क्यू आर कोड के प्रोविजन सुनना बच्चो ध्यान से हमने पहले पढ़ा था कि डायनेमिक क्यू आर कोड डायनेमिक क्यू आर कोड के प्रोविजन फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2020 से सर एप्लीकेबल हो गए फर्स्ट दिसंबर 2020 से ये एप्लीकेबल हो गए पर 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 अगर आपने थर्टी जून तक थर्टी जून तक इन प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया कोई बात नहीं फर्स्ट जुलाई 2021 से ये कंपलसरीली एप्लीकेबल हो जाएंगे क्लियर सर और आपने फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2020 से लेकर थर्टी जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक अगर इन डायनेमिक कोड के प्रोविजन को फॉलो नहीं भी किया डायनेमिक कोड नहीं mention किया आपने तो भी चलेगा आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे अगर फर्स्ट जुलाई से आपने इनको फॉलो कर दिया तो पर सर अगेन डायनेमिक क्यू आर कोड के कंपलसरी सर इनके प्रोविजन को एक्सटेंड कर दिया कंपल्सरी फॉलो करना टिल थर्टी सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन मतलब तीस जून दो हजार इक्कीस तक पूरी मशीनरी रेडी नहीं हो पाई थी लोग

क्यू आर कोडिक क्यू आर कोड लगाना पड़ेगा आपको इधर बाय इनवॉइस में लिखो आप या डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू बताइए पर देना पड़ेगा पर इस प्रोविजन को शिफ्ट कर दिया टिल ट्रीकेबली हो गया मेड कंपल्सरी विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन क्लियर समझे मेरी बात माहौल तो सर कोई खास बात नहीं थी एक्सटेंड किया पर फर्स्ट अक्टूबर एप्लीकेबल हो गया भाई अब सर इसल एक सर्कुलर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे पहले डायनेमिक क्यू कोड को लेके एक सर्कुलर और एड हुआ डायनेमिक क्यू कोड कोड लेके सर एक सर्कुलर कुछ इंडस्ट्री में क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड था तो वो सर्कुलर क्या इशू हुआ वो भी बात कर लेते हैं हम पांच छह इश्यू थे इसके अंदर बात करते हैं हम सर सर्कुलर आया था ट्वेंटी फिफ्थ ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को पढ़ो सर वेदर डायनेमिक क्यू आर कोड इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन एन इनवॉइस अनर को गुड्सर्स रहा है, को बेच रहा है, बेच रहा है ना तब यह प्रोविजन अप्लाई होते जो रेसिप जो कस्टमर है वो यू आई एन होल्डर है सर

इसलिए सिंस आपका कस्टमर एक तरह से अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गया सर इसलिए यू एन होल्डर को अगर आप गुड्स बेच रहे हो तो एक तरह से यह मानेंगे कि बी टू सी सप्लाई है और आपको सर क्यू आर कोड के प्रोविजन को कंप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड यूपीआई आई डी इज लिंक्ड टू बैंक अकाउंट ऑफ द पे मतलब जो पर्सन पेमेंट कलेक्ट कर रहा है वेदर बैंक अकाउंट एंड आई एफ एसी डिटेल्स ऑल्सो नीड टू बी प्रोवाइडेड सेपरेटली इन दी डायनेमिक क्यू आर कोड अलॉन्ग विद यूपीआई आई डी सर जो पिछला सर्कुलर था जो हमने पढ़ा था लेक्चर के अंदर वहां पे हमने लिखा था कि होगा उसमें क्या क्या चीजें क्या क्या लिखना है तो अब अगर आपका अकाउंट जो है जिसमें पैसा रिसीव हो रहा है वो अगर यूपीआई लिंक यूपीआई इज लिंक टू बैंक अकाउंट तो क्या अगेन आई एफ और बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा आपको आंसर है नो तो सर यहां पे लिखा है गिवन दैट यूपीआई आई डी इज लिंक टू स्पेसिफिक बैंक अकाउंट ऑफ द दस ऑप्टनिंग दिलेक्टिंग द मनी देन सेपरेट डिटेल्स ऑफ द बैंक अकाउंट एंड आई एफ एस मे नोट भी प्रोवाइडेडिक्यूआर कोड क्योंकि यूपीआई आई डी अगर लिंक है तो पेमेंट जो जाएगा डायरेक्ट उस अकाउंट में जाएगा जो लिंक है यूपीआई से तो आपको अलग से आई एफ एस कोड और बैंक अकाउंट डिटेल देने की जरूरत नहीं है देन नेक्स्ट यहां बोला कि सर मान लो सप्लायर में हूं और मैं सप्लाई कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल थ्रू थर्ड पर्सन जैसे ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहा हूं आप कस्टमर हो आप जो गुड्स या सर्विस खरीद रहे हो हमसे उसका पेमेंट जब करोगे वो ईसीओ के अकाउंट में आएगा या किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में आएगा एजेंट के अकाउंट में आएगा मान लो तो सर जो डायनेमिक क्यूआर कोड है उसमें अकाउंट नंबर जो लिंक करना है या यूपीआई आई जो लिंक करना है वो मेरा डिस्प्ले करना है या उसका करना है तो सर ऑब्वियसली जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है उसी का लिंक करना है ये पॉइंट नंबर तीन में समझाया है

जो कंज्यूमर है एंड कंज्यूमर बी टू सी सी सप्लाई जिसको किया है, वो एक स्कैन और डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में आ जाए क्लियर वो स्कैन करेगा सॉरी डायरेक्ट तो कैसा स्कैन करेगा और उसके मोबाइल नंबर पर कितना अमाउंट पे करना वो ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसको जस्ट अपना यूपी आई पासवर्ड वगैरह डालना है और पेमेंट हो जाएगा तो सर पर्पज क्या है उसका पेमेंट ईजी हो जाए बस डायनेमिक क्यू कोड का पर्पज क्या है कि जो एंड कंज्यूमर है जो बी टू सी सप्लाई ले रहा है परचेज कर रहा है तो सर उसको

इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया ओके देखो भाई अगर सर्विस रेसिपेंट आउट ऑफ इंडिया है सुनना और वो पेमेंट जो कर रहा है वो सर अप्रूव मोड से कर रहा है तो सर एक बार पढ़ो इसको तो क्या डायनेमिक क्यूआर कोड की जरूरत है यूपीआई आई डी लिंक करने की जरूरत है क्या पढ़ो इन केस इज रिसीवर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया एंड पेमेंट इज बिंग रिसीव बाई दर्विस इन फॉरन एक्चेंज पेमेंट आ रहा है किस फॉरन एक्सचेंज में थ्रू आरबीआई अप्रूव मोड ऑफ पेमेंट

जो बुक में ऑलरेडी मैंने आपको दिया हुआ है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसको सर ई इन्वेस्ट वाले प्रोविजन अप्लाई होते हैं क्योंकि एक्सपोर्ट को बी टू बी तरह माना गया है क्लियर बी टू बी ट्रांजेक्शन माना जाएगा एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन को और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है तो वो एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो बी टू सी और बी टू सी में अगर आ रहा है तो सर डायनेमिक डायनेमिक्यू के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे तो उसके लिए क्या बोला है बड़ी ध्यान से सर प्लेस ऑफ सप्लाई अगर इंडिया है पेमेंट फॉरेन करेंसी मारा है देन सच इनवोस इश्यूड फॉर सच सप्लाई सर्विस टू सच रेसिपेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया सर रेसिपेंट ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया है तो क्या वहां पर भी डायनामिक क्यू कोड के प्रोविजन करना है आंसर है नो देखो सिंपल फंडा क्या है डायनामिक क्यू आर कोड क्यों है अभी अभी मैंने आपको बताया दो मिनट पहले कि डायनामिक क्यू आर कोड क्या है कि सर आप जब कस्टमर आपके पास आएगा उसको अपने डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू या इन पर अगर डायनामिक क्यू आर कोड दे दिया तो वो स्कैन करेगा और जस्ट इन वन गो ही कैन मेक द पेमेंट टू यू अब जब रेसिपेंट और सर्विस आउट ऑफ इंडिया है या रेसिपेंट ऑफ गुड्स या सर्विस आउट ऑफ इंडिया है जो पेमेंट अप्रूवड आरबीआई अप्रूव्ड मोड से कर रहा है फॉरेन करेंसी में कर रहा है तो डेफिनेटली सर वो यूपीआई आई डी से पेमेंट नहीं कर पाएगा ना सर

मैंने पता बड़ा आपको सेल का इनवॉइस प्रिंट कर दिया और फिर आप माल लेने से मना कर देते हो आप बोलते हो नहीं नहीं मेरे को तो नहीं चाहिए क्यों पेमेंट नहीं है आपके पास या किसी भी कारण से मना कर देते हो इसलिए यूजअली क्या होता है रिटेल काउंटर वाले बोलते हैं पहले पैसा दे फिर हम बिल बनाएंगे तेरा हाँ है ना क्लियर वरना तो उनका उनको कितनी तकलीफ हो जाए ऑपरेशनली इसलिए अब यहाँ पे ऐसे केस में सर अब हमने जो पढ़ा था लास्ट सर्कुलर उसमें लिखा था कि आपका जो डायनेमिक क्यूआर कोड होगा उसमें इनवॉइस नंबर सर उसमें इनवॉइस नंबर भी लिखना कंपलसरी है है हाँ ना सर देखिए इनवॉइस अलोंग अलॉन्ग इनवॉइस नंबर बाद में जनरेट होता है सर आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद तो सर डायनेमिक क्यू कोड के अंदर हम कैसे इनवॉइस और इनवॉइस नंबर मेंशन कर दें क्लियर इसलिए यहां पे सर्कुलर ने पूछा इंडस्ट्री ने पूछा कि सर जहां पे रिटेल स्टोर पे पेमेंट पहले पे आ जाता है वहां पे कैसे इसको हम करेंगे तो वहां बोला कि जब पेमेंट आप रिसीव करते हो तो उसका एक

सर इन सच केस वेयर इनवॉइस नंबर इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ डिजिटल डिस्प्ले अच्छा इन्होंने क्या किया डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू डायू आर कोड अवेलेबल करा दिया कस्टमर को उसको स्कैन करके कस्टमर ने पेमेंट कर दिया क्लियर अब सर वो सेल्स रेफरेंस नंबर डाल देना कोई दिक्कत नहीं है द इनवॉइस नंबर इन इनवॉइस आर जनरेटेड आफ्टर द रिसीट ऑफ द पेमेंट द यूनिक ऑर्डर आई डी देखो द यूनिक ऑर्डर आई डी और यूनिक सेल्स रेफरेंस नंबर विच इज यूनिकली लिंक्ड टू द इनवॉइस इश्यूड फॉर दि सेट ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड इन डायनेमिक्यू आर कोड उसको डायनेमिक्यू आर कोड लगा दो फॉर डिजिटल डिस्प्ले एज लॉन्ग एज दिटेल सप्लायर सर आपका यूनिक ऑर्डर आई डी यूनिक आपके सिस्टम में प्रोसेसिंग सिस्टम जो है उसमें इनवोस लिंक होना चाहिए क्लियर एंड क्रॉस रेफरेंस ऑफ सर्च पेमेंट अलॉन्ग दूनिक ऑर्डर आई डी और सेल्स रेफरेंस नंबर आर ऑल्सो प्रोवाइड इन द इनवाइस जब आप इन्वॉइस बाद में प्रिंट करेंगे इन्वॉइस जब प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर आप क्या करिएगा बेटा सर ये क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट अंग विद यूनिक ऑर्डर आई डी या सेल्स रेफरेंस नंबर दे देना आप तो मान लेंगे कि आपने डायनेमिक क्यू आर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया है सर लास्ट पॉइंट आई नो की सर थोड़ा सा ये यू नो बोरिंग लगते ये सब प्रोसेस पार्ट वाले पर यह सब चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है कई बार एक दो मार्क के क्वेश्चन में हो सकता है आ जाए बेटा अपने लिए क्योंकि ये नई चीज है सर और मैं तो कह रहा हूँ एग्जाम में आए ना आए हमको नहीं पता हमको पढ़ना तो सब कुछ है ना यार चलिए वेन पार्ट पेमेंट हैज ऑलरेडी बिन रिसीव बाई मर्चेंट और सप्लायर पार्ट पेमेंट आ गया सब इधर इन एडवांस और बाय एडजस्टमेंट एग्जाम्पल कोई वाउचर था कोई डिस्काउंट कूपन था एक्सेट्रा था सर मान लो दस लाख का सप्लाई है उसमें से चार लाख रुपए एडवांस दे रखे आपने छह लाख ही पे करना है तो ऐसे केस में या फिर किसी वाउचर के थ्रू डिस्काउंट है या कुछ भी एडजस्टमेंट है सर आपका बिफोर द डायनेमिक क्यूआर कोड इज जनरेटेड देन ऐसे केस में वोट अबाउट वोट अमाउंट शुड बी प्रोवाइडेड इन द डायनेमिक क्यूआर कोड फॉर द इनवो वैल्यू तो सिंपल सी बात है भाई कस्टमर ने दस लाख का कुछ परचेज किया बीटूसी सप्लाई है चार लाख रुपए ऑलरेडी उसने एडवांस पे कर दिया या किसी और एडजस्टमेंट से वो एडजस्ट हो गया रिमेनिंग छह लाख पे करना है तो ऑब्विय हम लिंक करेंगे क्लियर तो ऐसे के लिखा है द पर्पज ऑफ डायनेमिक क्यू आर कोड दर्पज ऑफ डायनेमिक क्यू आर कोड इज टू एनेबल द रेसिपियट और कस्टमर टू स्कैन एंड पे दू बट और सप्लायर In of the said और अगर पार्ट पेमेंट ऑलरेडी हो गया है तो सर उस पार्ट पेमेंट को लिंक करना है सर, जो ही लेना पार्ट पेमेंट एनी सप्लाई इन फॉर्म ऑफ इधर एडवांस और एडजस्टमेंट थ्रू वाउचर और कूपन एटसेट्रा देन द डायमिक क्यू आर कोड में रिमेनिंग अमाउंट पेबल बाई दस्टमर और रेसिपेंट अगेंस्ट इनवॉइस वैल्यू क्लियर क्योंकि सर सिक्स लेख पे करना वो स्कैन क्या करेगा क्यूआर कोड अब डायनेमिक क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट का अमाउंट जो उसको ऑटोमेटिक आना चाहिए उसके मोबाइल में वो कितना आना चाहिए सिक्स लेख आना चाहिए ना भाई दस लाख तो ना आना दस लाख नहीं आएगा ना सिक्स लेख ही आएगा सर तो सिक्स लेख ही उसमें डायनेमिक क्यूआर कोड में लिखा जाएगा द डिटेल्स ऑफ टोटल इन्वॉइस वैल्यू अलॉन्ग विद क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पार्ट पेमेंट और एडवांस पेमेंट और एडजस्टमेंट डन एंड द रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड शुड बी प्रोवाइडेड ऑन द इनवॉइस

रिटर्न अंडर जीएसटी अब सरकार हम आ गए हैं रिटर्न अंडर जीएसटी के लिए क्या क्या अमेंडमेंट थे देख लेते हैं हम सर वैसे रिटर्न के अंदर मेजर जो अमेंडमेंट होने थे वो तो ऑलरेडी हो गए यहाँ पे बस एनुअल रिटर्न को लेके और जीएसटी ऑडिट को लेके एंड रिकन स्टेटमेंट लेके अमेंडमेंट थे बस वही है कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है सबसे पहला देखो एनुअल रिटर्न जो जी एस आर नाइन होता है इसका सेक्शन पूरा रिप्लेस हुआ है सर तो ये समरी जो है यहाँ पर सेक्शन नंबर रूल नंबर यहाँ पे सब रूल नंबर और सब रूल और सब रूल सेक्शन नंबर भी लिखे थे तो ये मैंने चेंज किए एंड सर सम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यहां पे मैंने लिखा है क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले डिटेल में बस आपको ये पेज इसलिए दिया कि आपके भी बुक के अंदर ये पेज के अंदर यहां पे आप चेंज कर लीजिएगा बेटा ठीक है सेकेंड यहां पे एनुअल डन फॉर कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए जीएसटी आर नाइन ए होता है यहां पे भी सेक्शन नंबर रोल नंबर में रेफरेंस में चेंज हुआ है देन सर जीएसटी आर नाइन सी जिन भी रजिस्टर्ड पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सिड होता है फाइव करोड़ अभी जीएसटी ऑडिट बाय अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हटा दिया गया है जिनका भी एग्रीगेट टर्न ओवर क्रॉस होता है फाइव करोड़ उनको सेल्फ सर्टिफाइड रिकनसिलेशन स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा डिटेल में पढ़ रहे हैं हम आगे ये समरी में यहां पे दे रखा था तो यहाँ पर आपको अपने बुक के अंदर चेंज करना है ये मैंने आपको बता दिया क्लियर आगे आ रहा डिटेल में तब हम डिटेल में बात करते हैं सर ओके चलिए सर एक और हमने पढ़ा था पहले कि ओल्ड टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए जब रिटर्न सबमिट होता है तो डीएससी के थ्रू ही सिग्नेचर करना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू सर साइनिंग द द रिटर्न रिटर्न फाइलिंग फाइलिंग साइनिंग टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए इट ऑल्ड मैंडेटरी टू यूज डीएससी वाइल फाइलिंग द रिटर्न पर सर लॉकडाउन के टाइम पे डीएससी कहीं और था रिटर्न फाइल करने वाला पर्सन कहीं और था इसलिए आपको पता हो तो लॉकडाउन के पीरियड में टेंपरली गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि डीएससी अगर नहीं होगा तो भी सर ई e वेरिफिकेशन के थ्रू या ई के थ्रू आधार बेस्ड ओ के थ्रू भी सर इनका रिटर्न सबमिट हो सकता है तो अब सर सबके लिए ही क्योंकि अब जिंदगी का सर्टनिटी तो है नहीं लॉकडाउन वापस लग जाए किसको क्या पता सर इसलिए ऑल टाइप्स ऑफ कंपनीज के लिए जो डीएससी के थ्रू साइन करना कंपलसरी था उसको डिलीट कर दिया है अब सर सारे ही लोगों के लिए ऑप्शन है कि डीएससी के थ्रू साइन करे या ई e साइन करे या ई के थ्रू करे कोई दिक्कत नहीं सामने क्लियर ठीक है कोई खास बात नहीं सर है, हम आ गए अब तरफ सर पूरा सेक्शन नंबर नंबर 44 80 रिप्लेस हुआ हुआ पर मेजरली कोई खास अमेंडमेंट नहीं हुआ, जो था, सर, by, मैं ही पढ़ा था रजिस्टर्ड पर्सन अच्छा वही फाइनेंशियल खत्म होने के बाद थर्टी आपको दिसंबर करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न फॉर्म नंबर जीएसटी नाइन कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए फॉर्म नंबर है और सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिन पर टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी होती है उनके लिए एनुअल स्टेटमेंट फॉर्म नंबर जीएसटीआर नाइन बी होता है वो आपको पता है सर पर एनुअल रिटर्न इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय फॉलोइंग इन एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करना है कैजुअल पर्सन एनआरटीपी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर

सर्विस सप्लायर जो आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है वो इंडिया में अगर सर्विस दे रहा है तो उसको भी एनुअल रिटर्न सबमिट करने की जरूरत नहीं है क्लियर सरकार ये हमने ये ये हमने वाला वाला पॉइंट पॉइंट भी भी पहले भी था क्लियर केवल नया एड हुआ एक तरह से मालिक ठीक सरकार अब कमिश्नर के पास पावर की वो चाहे तो एग्जाम कर सकता है एनी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम फाइलिंग द एनुअल रिटर्न अंडर दिस सेक्शन और ये पावर यूज करके कमिश्नर ने एग्जाम कर दिया है किसको सर जिनका भी एग्रीकेज अब रूपीज टू करोड़ फॉर दी फाइनेंशियल जिनका भी जरूरत नहीं है और ट्वेंटी ट्वेंटी जिनका भी एग्रीगेट टर्न और, अच्छा, तो okay? और, और दो करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है थर्टी फर्थ दिसंबर हम ऑलरेडी बात कर चुके थे सर सेम क्लियर

कॉस्ट अकाउंटेंट जब ऑडिट करेंगे अलोंग विद द एनुअल रिटर्न वो जीएसटीआर आर जीएसटी के फॉर्म में रिकनसलेशन स्टेटमेंट भी सबमिट करेंगे पर अब वो रिक्वायरमेंट हट गई है जीएसटी ऑडिट का सेक्शन ही डिलीट कर दिया इन्होंने और साफ साफ यह लिख दिया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फनिश एनुअल रिटर्न जिसको भी एनुअल रिटर्न सबमिट करना है एंड हुज एग्रीगेट टर्न हुटेड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर रूपीज फाइव करोड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉम पोर्टल ठीक है साथ साथ इन्होंने सेल्फ सर्टिफाइड रीक स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा इन फॉर्मल रिजर नाइनसी क्लियर डन ये ऑडिट का जो सेक्शन था सेक्शन थर्टी फाइव सब सेक्शन फाइव डिलीट कर दिया सर देखो यहाँ पे लिखा होता

सर अगर आप रिटर्न फाइल करने में लेट करते हो जैसे कि इसमें सेक्शन नंबर फोर्टी सिक्स में आपको नोटिस इशू करेंगे कि नेक्स्ट फिफ्टीन डेज में हमको रिटर्न सबमिट करना नहीं तो बैंड बजा देंगे हम आपकी है हाँ ना नहीं तो सर सेक्शन नंबर सिक्सटी टू में बेस्ट जजमेंट कर सकता है वो ये तो पहले भी था अभी भी है सेक्शन नंबर फोर्टी सेवन ने बोल रखा है कि ड्यू डेट जो दे रखी है आपको जी एस टी आर वन के लिए स्टेटमेंट आउट, आउटवर्ड सप्लाई के लिए रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर थर्टी नाइन के लिए या फाइनल रिटर्न के लिए उसमें अगर लेट करते हो तो रुपीज हंड्रेड पर डे और फीस 5000 विच एवर इज लोअर इतना पर लेट फाइलिंग फी लगेगा ये सीजीएसटी का है इक्वल पेनल्टी इन इक्वल लेट फाइलिंग फी इन एसजीएसटी एक्ट आल्सो सर क्लियर पर कमिश्नर के पास गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो लेट फी को रिड्यूस भी कर सकती है और उन्होंने इस लेट फीस को रिड्यूस किया है और लेट फीस कितना रिड्यूस किया ये यहां पे दे रखा है सर आपको हाँ है ना अब सर 100 रुपी पर डे, और इज ये तो जनरल लेट फी हो गई है क्लियर जो सेक्शन में दे रखी है प्लस गवर्नमेंट को पावर है कि वो चाहे तो इस लेट फी को कम कर सकता है और इस लेट फी को कम किया है कितना है क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन सुनो बच्चों ध्यान से रजिस्टर्ड पर्सन हुई इन टैक्स पीरियड जिसको जीएसटीआर वन सबमिट करना है

हाँ ना यहाँ पर कौन है सर रजिस्टर्ड पर्सन है nil return नहीं है और जिसका preceding financial year में up to 1. था, तो उनके लिए जी आर वन हो थ्री बी हो या जीएसटर फोर हो लेट फाइलिंग फी जो है वो रुपीज ट्वेंटी फाइव पर डे सब्जेक्ट मैक्सिमम रुपीज वन थाउजेंड रखी गई है पांच हजार की जगह एक हजार रुपये कर दिया सर

पर मैक्सिमम जो फीस है उसकी कैप एक हजार की टर्न ओवर था एंड अगर, अगर आप अच्छा इसके अलावा कोई भी पर्सन है देखो इसका मतलब मोर देन रुपीज फाइव करोड़ है वो तो यहाँ कवर नहीं है अब मोर देन रुपीज फाइव करोड़ अगर आपका टर्न ओवर है तो आप इसमें कवर नहीं हो ध्यान रखना बेटा जैसे कि इसमें नॉर्मल जो लेट फाइलिंग फी है वही लगने वाली है रुपीज हंड्रेड और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम फीस फाइव फाइव थाउजेंड ओके रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर टू डिडक्ट टी डी एस अंडर सेक्शन में फिफ्टी वन तो सर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जी एस टी आर सेवन जो फाइल करते हैं उसमें लेट अगर होगा तो अगेन रुपीज ट्वेंटी फाइव पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज़ थाउजेंड ये सब आपको याद रखना पड़ेगा ना ध्यान रखना आई एस डी के केस के के में ट्वेंटी फाइव रुपीज़ पर डे सब्जेक्ट टू मैक्म रूपीज फाइव थाउजेंड या फाइव थाउजेंड रुपीज को कम नहीं किया बेटा देन रजिस्टर्ड एनआरटीपी हु इज टोटल अमाउंट ऑफ सी जी एस टी पेबल इन दिन निल एनआरटी पी केस में अगर है तो टेन रुपी, रुपीज सब्जेक्ट टू रुपीज फाइव थाउजेंड दस रुपए साहब एंड रजिस्टर्ड एन आर टी पी हुज सी जी एस टी लाइब्रिटी रिटर्न तो सर एन अगर उसको टैक्स पेबल है तो अगेन ट्वेंटी फाइव रुपी पर डे पर मैक्सिम रुपीज फाइव थाउजेंड यहाँ पर मैक्सिम फीस जो था वो कम नहीं किया हुआ है नील रिटर्न अगर था उसको फाइल करना लेट हो गया जी एस को तो दस रुपये पर डे क्लियर एंड अगर अदर दिन नील है तो ट्वेंटी फाइव रुपी पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिम रुपीज फाइव थाउजेंड क्लियर डन सर यहाँ स्टार मार्क किया होता है देखो सर यहाँ यहाँ यहाँ

2021 से ये एप्लीकेबल हुआ इतना याद करने की जरूरत नहीं है आपको तो करंट एप्लीकेबल फी कितनी है नील के केस में दस रुपए है अदर देन नील के केस में ट्वेंटी फाइव रुपये सब्जेक्ट मैक्सिमम जो अलग अलग दे रखा वो आपको याद रखना है Then, sir, ये हैश ये है कि कम्पोजिशन सप्लायर्स मैक्सिम अमाउंट ऑफ लेट फी इज रिड्यूस बाय नोटिफिकेशन ट्वेंटी वन फ्राम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑनवर्ड्स क्योंकि composition वालों को तो आर फोर एनुअली फाइल करना पड़ता है ना सब तो फाइनेंशली टू लिए एप्लीकेबल रहेगा ठीक है यह नोटिफिकेशन डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी आपको याद करने की जरूरत नहीं होती ओके okay? तो सर ये लेट फाइलिंग फी में जो रिडक्शन किया था ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ आई होप यू गोड पॉइंट ध्यान रखना यहां आपको याद रखना पड़ेगा सर ओके okay, सर फिर आएंगे हम अगले अमेंडमेंट की तरफ पर सर मैं चाहता हूं कि एक आप ब्रेक ले लें सो देट आप कंफर्ट uh, जोन में आराम से अमेंडमेंट्स पढ़े आपके लिए लोड नहीं बढ़े और खुश होके मस्त होके आप पढ़ाई करें सर ओके चलिए सर मिलते हैं ब्रेक के बाद पर यहां तक जो अमेंडमेंट्स मैंने आपको पढ़ाया है वो आपके एंड पे होना चाहिए चैप्टर नंबर थर्टीन तक सारे अमेंडमेंट्स हो गए कवर सर बहुत सारे अमेंडमेंट्स नहीं है आपको समझ में आ गया होगा कुछ सर्कुलर थे जो हम पढ़ रहे हो और सर्कुलर भी आपको आराम से समझ में आ रहे होंगे टफ नहीं है ओके अच्छा बैरेट की लैंग्वेज को याद करने की जरूरत नहीं है रटना नहीं है सब अच्छे से समझिए अपनी लैंग्वेज में आंसर के आइए माहौल बनाते रहिए ऑल दी बेस्ट लव ऑल टेक केयर बाय मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेक के नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में सर ब्रेक के बाद थैंक यू सो मच